ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈ ਨਾਮ ਇਸ ਮੰਗੂ ਮੰਗੂ ਜਾਨ ਮੰਗੂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬੈਡ ਨਾਲ ਪਰਾਠਾ ਦਿੰਨਾ ਵਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਗ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਔਰ ਜੇ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਰੈਂਡਸ ਐਨ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਤੀ ਹੈ ਯੂ نو ਮੈਂ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका अपना जान रैम्बो और मैं आपको दी जान रैम्बो शो में वेलकम करता हूं। ख़वातीन और हज़रात शो आप पसंद कर रहे हैं, मैसेजेस करते हैं और आज जो मेरे चैनल पे नए लोग आए हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को टिन करके दबाएँ। एक ज़माना था जब बाप दिन रात मजदूरी करके मेहनत करके शाम को घर आके अपने बच्चों के साथ टाइम पास किया करता था, खेला करता था, एक दो घंटे बच्चों के साथ बैठ के गपशप हुआ करती थी। वो ज़माना कहाँ गया? ऐसे कुछ घर आज भी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हैं। ज़माना बदल चुका है, वक्त तब्दील हो गया है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है और बच्चों के अपने अपनी जो हैं वो मसरूफियात निकल आई हैं, बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है। अच्छा जी, इसी तरह की एक फैमिली है, एक मिस्टर एंड मिसेज हैं, उनकी एक बेटी है और उनसे ज़रा पूछते हैं और मुझे पता चला कि जी वो घर में टाइम नहीं दे पाते, बहुत बिज़ी रहते हैं और किस तरह बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, क्या काम करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ़ लाते हैं मिस्टर एंड मिसेज शमी। ठीक है आप बबली को बुलाओ, रूबी को बुलाओ और राहिला को बुलाओ। ओके आई एम जस्ट कमिंग बेबी, जस्ट ओके ओके। यस हां जी हां जी, हेलो। हां नहीं 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 नहीं, वो थोड़ी भाभी सी, कोई इंग्लिश फिल्म नहीं लाई मैं। नहीं 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 नहीं, मूवी नहीं देख रहा। की कह रहे हो तुसी? हां मेरी मिसेस गल कर रही थी। अच्छा अच्छा, ओहो उन्हें नहीं याद होते। बस प्रिंदिया नाल प्यार गाइस, रास्ते में हूं जानी, रास्ते में हूं। प्लीज प्लीज मेरी वेट करना, आप जस्ट मैं आके ज्वाइन करती हूं अपनी किटी पार्टी। आई लव यू बेबी। हेलो हेलो, आई लव यू। ओ लो की कह रहे हो तुसी? मैं उधर बिजनेस दी डील कर रहा हूं। 1 मिनट, आई जस्ट वेटिंग फॉर मी जानू। हेलो एक्सक्यूज मी, आप शो पे आए हैं, कैमरे चल रहे हैं। सॉरी सॉरी, थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए आप ये बंद करके मुझे दे देंगे? नो 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 नो, फाइजा ने मुझे बहुत मजे के व्हाट्सएप करने होते हैं। अच्छा छोड़े हैं बेगम, क्या हो गया? रैम्बो के शो में आए? ओके बताइए। मिस्टर मिसेस शमीम, मैं आपको वेलकम करता हूं जी, भरपूर तारीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रैम्बो, आपकी वजह से ऑलमोस्ट आफ्टर 3 मंथ्स मैंने अपने हबी को देखा। 3 महीने के बाद मिले आप लोग? यस, इस दफा थोड़ा जल्दी मिले वरना हम लोग आज साल 1.5 साल के बाद मुलाकात। एक दफा तो 2 साल बाद मुलाकात हुई, वो भी मेरी 7 साल मुंडा होया। हाँ। तो मैंने इन्हें फोन किया कि आ जाओ, मुबारक हो। अच्छा नहीं, आप मुल्क से बाहर रहते हैं? जी जी जी। नहीं घर में रहते हैं, मतलब बाहर भी चाहिए, घर भी रही। लेकिन 2 साल आप एक ही मुल्क में रह के एक ही घर में रह के मिलते नहीं हैं आप? कम ऑन रैम्बो, क्या पेड़ हुआ बात? अभी रात को हम लोग एक ही रूम में अपने बैठे हुए थे तो मैंने आपको व्हाट्सएप करके नहीं बोला हाय। हम रूम की बात कर रहे हैं, यकीन करें कि एक ब्लैंकेट में होते हैं हम, 3-3 घंटे एक दूसरे से बात नहीं करते। व्हाट्सएप किया मैंने रात को आपको, हाउ आर यू हबी? रात को आप घर में भी एक दूसरे से व्हाट्सएप पे बात करते हैं? ये टेक्नोलॉजी किस लिए है? Yes. मैं अगर वॉशरूम में 5 मिनट लेट हो जाऊं तो ये बाहर से व्हाट्सएप कर देती है कि प्लीज मैंने भी जाना है, आप बाहर आए तो मैं अंदर से व्हाट्सएप देख लेता हूं, मैं निकल आता हूं। अच्छा। मतलब ये टेक्नोलॉजी इसलिए है, आप यूज नहीं करते तो मतलब आप... आज मुझे पता लगा आपकी आवाज बहुत प्यारी है, बहुत अरसे बात सुनी ना। पहले कुत्ता ही जरा सा भौंकता होंगे उन्होंने सुनते मैं गिराज रखे कुत्ता। अच्छा, आवाज भी ना सेम मेरे की। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? ओ मेरी जान, बिजनेस वसीयर है वो यार। अच्छा जी। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हां। हजे परसों मेनू डोनाल्ड ट्रंप दी कॉल आई है। हां, उन्हें कहा यार मैं हुन सदर ते रहा ही नहीं। हाँ। अपने कारोबार च 25 पैसे दी पत्ती मेरी भी पाला। अच्छा, तुसी फिर नाल थोड़ा दूध भी पाया होना। तुसी होना की गल कर रहे हो, मैं कुछ चाह लेदा बच्चा दे। कौन गरीब आदमी, अभी परसों मेरी मिलानिया से बात हुई, उसने कहा मुझे ज्वाइन करो मेरी किटी पार्टीज में आओ। ये किटी पार्टी में होती मैं पीपल पार्टी। अच्छा
अच्छा क्यों हमें यहाँ क्यों बुलाया? आपको इसलिए बुलाया, आप तो शरीफ रखें, आपसे बात करते हैं, थोड़ा शो में गपशप करेंगे। सॉरी, ये डस्ट वगैरह साफ करवाया? बिल्कुल साफ है जी, आप आए, आज तशरीफ रखें। सैनिटाइज्ड है ना आपका सब कुछ? यकीन नहीं आ रहा, स्वेटर तुसी तो आया नहीं है कि मैं सैनिटाइज कराया होगा? तुसी मुंह तो आया, मेरा मतलब नहीं है, कम ऑन। अच्छा, मसरूफियत ही ऐसी है, नहीं मुंह धोने का टाइम मिलता? आपको देखा, आपका पेट थोड़ा बाहर आ रहा है, कहीं हराम तो नहीं खा रहे? नहीं नहीं, क्या हो गया, मैंने तो घर से खाया ही नहीं कभी। अच्छा जी, आप बुलाते हैं मिस्टर एंड मिसेस शमीम के एक मुलाजिम को। किस मुलाजिम को बुला रहे हैं? आपके सबसे पुराने मुलाजिम को। ओ जड़ा तेरी माँ दिया जुमा कटदा हुंदा सी। वो जिंदा है? हाँ, क्या देखा नहीं, 1.5 साल हाँ। I don't know है। शर्फू तशरीफ लाते हैं जी, इनके घरेलू मुलाजिम। इस घर के मुलाजम मेरे मालिक ही ने, मैं कभी कभी वेखना ओही लग। आप घर में होती है? आप घर में होते हैं? नहीं नहीं, साडे घर में। कह रहे हैं ना कि इन्होंने आपको पहचाना नहीं, कभी कभी तो देखते हैं। अपनी बेटी को भी घर में नहीं देखते? बिजी मसरूफ की करिए, तस्वीर लगी हार पाए। ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। अच्छा एक मिनट, ये आपके पास कब से है इनकी बेटी? इन्होंने बेटी जी? जी इन्होंने सिर्फ पैदा की थी है जी। हाँ जी, तब पहली में ही है। आप कैसे हैं? आप ठीक? बड़ी खुली जगह। बड़ी गल है। अच्छा जी, अब तशरीफ लाते हैं जी इनकी बेटी बबली। आनी तेरी मोगनी को चोरी गई, बाकी जो बचा था वो ये डेडा ले गई। आनी तेरी मोगनी को चोर ले गई, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गई। बच्ची है जनाब, तुसी तां घर हुंदे ही नहीं, इह तां पालदी नहीं सी, मैं तां बड़ी मुश्किल पाली है। इह जी मुश्किल पाली? हां जी। डोंकी राजा हां करके आप मेरे ऊपर इल्जाम ने लगाए, आपकी फीलिंग मुझे नहीं आती। हाँ जी,
इसको क्या करके दिखाए बच्ची ने थोड़ा बहुत देखा कि तुझे खोता जे बने माय नाम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन बोरी लादनी पिछली गली च ला के आने मैं क्या नहीं एक्टिंग की आप नहीं हो है ये करके दिखाओ बाबू ये करके दिखाओ मैंने तुमसे कहा था मेरी बच्ची को एक एजुकेटेड पर्सन बनाना है तेरा बेड़ा गर्क जाए तू उन्हें मलंगनी बनाता असल में बात पता क्या जी जब आप घर में नहीं होते थे तो मेरा घर में दिल नहीं लगता था मैं इसको लेके पिंड चला जाता था अच्छा पिंड में मेरे घर के साथ ही दरबार है उधर मलंगों के साथ बैठ के सिगरेट सुगरेट भी पीती है और तमाल भी डाल लेती है एक मिनट आप मुझे कमाल करती है वो इंग्लिश में कैसे बात करे इतनी फिक्र थी तो खुद पाला होता मैंने वो इंग्लिश में सिखाई है ना इसको नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए वो इंग्लिश में सिखाया मैंने इंग्लिश में कैसे ग्रैंड मदर दिस इज द हाउस डकैती and a small saving in the black man studio de vich aa reha va te bahar khlote san main nahi pehchaneya ke meri beti hai main samjhya tu eh rich na jaun wala haan ji jo aap te inna nu kinda ne gallan karde pae ne eh bade thode aapke abbu ye dada dada wo dada kaddu di aulaad hai ye aapke dada hai bade और यही आपके अब्बू हैं। ये डाटा है जिसको हमने सेव किया हुआ है। यार मेरी तस्वीर कर लगी है तू क्यों नहीं देखती मैं क्या जेडी फोटो लगी है ना मानो थोड़ी नहीं लगती वो शादी की तस्वीर आप बदल गए नहीं 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 उते जान के लाइट ज्यादा कराई फोटो ते अच्छा आहो बच्ची हूँ सची है जो तो मत्थे नहीं लगना जनाब तो फिर उन्हें मैनू ही मेरी मेरी तो धीं वर्गी मैं तो आप पाली है जी लेकिन अगर आप मेड के हवाले कर देंगे बच्चे को खुद नहीं पालेंगे खुद नहीं देखेंगे तो फिर यही होगा कि उसमें वही आदतें आएंगी जो उसको पाल रहा है जो उसके साथ टाइम गुजारता है आपने टाइम तो गुजारा नहीं बिजनेस करना वा मैं अपनी धीनू कितने लेके नाल फिरदा रहा मैं दसो नहीं मैं कभी किसी कमरे चुना कभी किसी कमरे चुना घर के कमरे बदलते रहने साहब जी तुम सफेदी करते हैं थानू पता नहीं लगता भी उस कमरे च तो उस कमरे च तेरी दो महीने तनखा बंद की हो ना तेरिया जुगत बंद हो जाए तुम्हारे पैसे काटूंगी मैं याद रखना डड्डू मर गया डड्डू मर गया आपको 2 लाख पे कर रही हूँ मंथली 2 लाख 2 लाख अमाउंट यस अच्छा और मैं आपको 2 लाख इसलिए दे रही हूँ कि आप उसे डड्डू मारना सिखाओ दूर रहा 3 लाख थोड़ा दे रही है अपना मुंह तो वेखो थोड़ा तो 5 बन का दूर लेना अपने बच्चे छड के इन्हां दे बच्चे नूं पालिया ओ तेरे ते बच्चे है नहीं ना तेरा व्याह होया तो मैं की फट्टे थले सौना जो तुहाडी धी ने माफी चाहना जो तुहाडी धी ने दुनिया ते आना सी तो जिहड़ी इन्हां दे नाल नाल फिरदी सी ओ मेरी बेगम आ अच्छा अच्छा मैं भुल गया ये वो टाइम भी देखो ना नहीं नहीं आप 20 साल हो गए ने मुझे वैसे जस्ट कमिंग बेबी जस्ट कमिंग बस जस्ट 25 मिनट्स उनको बस तो निमको कट के रखो सी आए अभी भी किट्टी पार्टी की पड़ी है और बच्ची की फिक्र नहीं है हां ये कटके दिखाओ मुझको ये कटके बेटा बच्ची नु घुमण वाला पक्का बना देता बेटा तू छत वाला बनाऊंगा तू इनु हेलीकॉप्टर वाला पक्का बना देता अच्छा मुझे एक एक सवाल का जवाब दें ये जो आप दिन रात कमा रहे हैं जी जी शमीम साहब जी जी एक मिनट मेरी बात सुनो एक सेकंड रिप्लाई तो करने दो ओ खुदा दा वास्ता तू ते मेनू साफ रिप्लाई कर देनी है यकीन कम ऑन यार ऑलरेडी आई एम लेट दे आर वेटिंग फॉर मी बड़े अब्बू हां जी मैंने साग वाला पराठा खाने तूने इसे साग वाले पराठे पे लगा दिए इसलिए तो वेट बढ़ गया तेनू शर्म नहीं है और इन
इतनी मजेदार उंगला चटनियां भी सिखाती है इसको। मैं तो नाल पराठा देना वरना तो गद्दियां नु साग ला के खा गई। मैं तो फिर नाल पराठे लाते भी चल बत्ती तेने लगी रहू जना। मैंने आपसे बोला इसको जस्ट स्नैक्स पे रखो, वेट रिड्यूस होगा। स्नैक्स उन्होंने छप तल तल खोए जे मैं स्नैक्स रखो। ओए दूजे स्नैक्स कैंडी पेंडू आदमी, ये इसे निकालो फारिग करो। मैं निकाल दूंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैं इसको फारिग करूंगी। अभी टाइम मिलेगा मतलब आपको अपनी ये पार्टी ज्यादा अजीज है ना, अपनी बच्ची का मुस्तकबिल अजीज है। वाईफाई लगा दिया, आईपैड ले दिया, 24 घंटे हर कमरे में बड़ी एलईडी लगा दी। सो व्हाट कैन आई डू? सारी डिमांड पूरियां कीतियां ने, क्या करूं मैं? कार्टून बच्चे लोग कार्टून देखते ने ना टीवी ते, मैं सच्ची मुची दे कार्टून दे कमरे च वाड़े ने, यकीन करो। मुझे बच्ची के स्कूल से कॉल आई और उन्होंने आके मुझे ये कहा कि आपकी बच्ची की इस महीने की परफॉर्मेंस में सिर्फ एक चीज है। मैं बोली क्या? तो उन्होंने कहा आप जो है ना शिकायत नहीं कर सकती, आपने तो टाइम ही नहीं दिया। अब आप कह रही हैं बच्ची ये क्यों बोल रही है, बच्ची ये क्यों खेल रही है, बच्ची ऐसे क्यों बोल रही है। अब मुझे ये बताएं कि बच्ची स्कूल जाती है, आप लेके जाते हो? मैं स्कूल लेके जाता हूँ। लेके आते हो? इन्हें दी तबीयत खराब हो जाए डॉक्टर को लेके मैं जाना। कल मैं लेके गया 104 बुखार सी। 104 होता है। अच्छा अच्छा, मैं क्या सेहत के हिसाब से शायद 104 हो गए। नहीं नहीं, सिफर नहीं ना पूरे पड़े गए। अच्छा आप फिर मैंने कह दी आधा किलो डिस्प्रीन दो इन। मैंने मेल की आपको, फीमेल की, उसने आपको बताया नहीं था कि आपके बच्ची की तबीयत ठीक नहीं? आपको घर में ये भी नहीं पता होता कि बच्ची की तबीयत कैसी है, बच्ची स्कूल जा रही है नहीं जा रही, सारी ड्यूटी ये देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुलाजम काहे नहीं होते ने रैंबो साहब, तनख्वाह नहीं देती हो? पीटी पीटीएम में कौन जाता है? हम लोग जाते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में कौन जाता है? तनख्वाह हलाल करना जी। एक मेरी बच्ची का बुखार बहुत ही तेज हो गया, मैंने पता लगा किसी घर पार्टी ते गए ने बेगम साहब। जदों मैं उत्थे पहुंचा सी, तुसी ओदी दी इक बांह सी, ओदी बांह दी बांह पा के तुसी डांस करन गए सी, और जो बंदे दी बांह भी इक सी। मैं इशारे कीते ते कितना बड़ा ब्रांड है इनके बिजनेस पार्टनर। सो गुड्डी लुट ली सारी रात नी ला हो मुझे ये बताएं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन जाता है? हाँ जी, पिछले हफ्ते गया है, इन्हें प्रिंसिपल नु टक्कर के मारती कुड़ी ने। हाँ। ते उन्होंने फोन किया ते फिर मैंने जाना पे और टक्कर के लगे। टीचर कन्ना ते हथ रख के बाहर दौड़े। देखा इस बात में वो बच्ची को स्कूल से निकाल रहे थे, हमने एक्सक्यूज किया और बच्ची का दोबारा से कंटिन्यू किया। और जे बच्ची स्कूलों निकल जाने यकीन करो पूरा स्कूल खाली हो जाना। रैम्बो अंकल
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਅਰੇ ਵਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਸਨੇ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਸਕਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਦਿਏ ਸਕੂਲ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਯੂ ਉਠਾ ਕੇ ਯੂ ਫੇਂਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਛੋੜੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਭੀ ਕਿਆ 6-7 ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਐਟ ਆਲ ਅਭੀ ਆਪ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਸਕੀ ਅਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਜੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਭੀ ਦੋ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਤੋ ਹੋਈ ਹੈ ਅਭੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜੀ ਹੈ ਆਪ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੋ ਉਸਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੋ ਭਾਈ ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੋਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਓਏ ਐਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਕਢਾ ਯਾਰ ਆਪ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਮੌਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਹਰਕਤੋਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਚੀ ਕੋ ओवरवेट कर दी है मुझे 15 दिन के अंदर 45 केजी वेट चाहिए था। ए, था। मैं कोई कसाई बुलाऊं ना एदी एदी चर्बी चर्बी लुआ दे ना देखो नहीं तो एदी हवा कढ़ा के ले आवांगे तो बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। अब वो जो यार जान दे खुदा का खौफ करो आप देखें इतने पैसे लेके कहाँ जाने हैं। एक आपकी बेटी है सारा दिन आप बाहर काम करते हैं सारी रात ये घर से बाहर रहती हैं किटी पार्टी लेट हो रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं असी हाँ। अपनी औलाद औलाद के लिए आप क्या करती हैं मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ करती हूँ हजे पिछले महीने मैं इन्हें 2 करोड़ रुपए का मक्खन स्टाक दिता घर खान नहीं पाए और बच्ची को पालना मोहब्बत प्यार सलूक हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है थैंक यू सो मच इसकी पेनी मैं तुम्हारी बच्ची का लेपो करा देना हाँ जी लेपो ओ मैं करवा ना जिन्नी चर्बी निकली मैं ओ वेच के बच्ची पाल दे ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਭਾਲ ਲਵਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ दुनिया तरक्की कर रही है टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है और इस बंदे की मिसालें आज भी कुकड़ी के बच्चे मुर्गी के बच्चे खोते के बच्चे और मेरी बीवी जी ने चांद पर पार्टी रखने लगी है अगले महीने हमारे चांद पे मून मून चांद जरा उत्ते पे अच्छा उत्ते पार्टी है आप मुझे वहां पे प्लॉट लेके दे रहे हैं मैं लेके देऊंगा प्लॉट क्यों नहीं लेके दे इस चांद का क्या होगा ये चांद नहीं है मरीख है बेटा ब्रेकफास्ट तेन मैं क्या सी के एक डब रोटी बस एक पीस लिया कर हल्का जहा मक्खन ला के कंडा बस इना ठीक है तू सवेरे तूड़ी दाना विच खल बनौला पा के तू नाश्ता कर ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਕਿਆ ਕਰ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੋਤੇ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਤਾ ਹਾਂ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਤਾ ਮੇਰੀ ਆ ਸਾਈਡ ਨਾ ਸੁਬਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਚੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਫੀਡਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬਾਂ ਤੇ ਨਿਪਲ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਫੀਡਰ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਨੌਕਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ 8-8 ਦਿਨ ਜਾਗ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਚਨ ਜੋ ਵਾਟੇ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਬਤਾਉ ਉਹ ਵੀ ਬਤਾਉ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਸ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਲੂੰਗਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਪੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਹਮ ਲੋਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਤੇ ਸੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
प्रॉब्लम क्योंकि मेरे पूरे घर में कैमरास लगे हुए हैं और कैमरे भी बड़े लगवाए रहे जितने फिल्म बन रही है। इन्होंने तो मुझको ये कहा कि ये जो घर की फिल्म बनी है इसमें चार गाने पा के रिलीज कर दे। जो बच्चे सो जाते पार्टी लेट नाइट झूला झूल रही थी। भूचाल आ गया मैं कह रहा था बच्ची कोटे दे। ये सिखा दो हमारी बच्ची को झूला। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जैसे ही पार्टी स्टार्ट हो बच्ची को सुला दो, अगर नहीं सोती तो वो सिरप पिला दो, खांसी वाला खुद ही सो जाएगी। खांसी वाले सिरप नाल इनू नींद भी नहीं आती बेटा, इनू शायद पिला दे अगर भाई शायद इनू नींद आ जाए। हां नहीं, मैंने कोशिश की है जनाब, बच्ची असल में लगती है अपने माँ बाप की उड़ीक में कि मेरा माँ बाप मुझे आए, मुझे लेकर घुमाने दिल के लिए ले जाए, मुझे बाहर कितने फराउन वास्ते ले जाए, बागां दे विच सानू पीना पा के ओदियां तू आदत ही बिगाड़ दी है। उन मैं दो बारी फराउन वास्ते बाहर लेके गया ते कहंदी मेरे गाले संगल पाओ, मैं हुण की करां। पार्क लेके गए, वहां पे पांच छह झूले और दो पींगे तोड़ के आ गई, कट्ठे झूंडन लग पई, एक पींग दे मैं चल झूठा। और बड़ी वाली शिफ्ट देखी जिसमें 20-25 लोग बैठते हैं, उसमें ये अकेली बैठी और जमीन पे जा पई। उन्होंने छोटे छोटे पौधे लाए, शजरकारी दी मुहिम दा आगाज किया, यकीन करो सारे पौधे खा गई उन्होंने। आपके ये प्रोग्राम में आए हैं, मेरे बड़े अबू ने मेरी कोई बुराई की है? नहीं नहीं की ना, तेरी बच्ची रोटी उन्हें खानी है, ते इन्हां ने मैनु पालिया ना, ए किद्दां दीआं गल्लां करदे पए गए ने। ये मोटी हुई है, ये ऐसे बोलती है, उसमें सारा आपका कसूर है। आप टाइम देते तो बच्ची की ये तरबियत ना होती। टाइम दीजिए रामू साहब, उसी घर के अंदर वाईफाई है, मोबाइल ऑन करो, यूट्यूब लगाओ और वहां पे सर्च करो कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, उसको फॉलो करो। सिंपल, जब आपकी बेटी का मतलब पढ़ने में दिल नहीं लगता था, मैंने आपको फोन किया जब आप मतलब कौड़े पानी के साथ मलोख खा रहे थे। तेरिया बेटा वैसे भी 1.5 साल बाद निकलन वाली है। अपनी मसरूफियत में इत्ते पा के बच्ची का सबक नहीं सुनिया, हालांकि उसका दिल करता मैं अपने पापा को ये सुनाऊं, ये सुनाऊं, पापा को ये सुनाऊं, फिर बच्ची क्या करेगी जी, वो मुझे ही पापा समझती है। और रैम्बो साहब असल में आप बात सच्ची समझे ना, इंसानियत के तौर पर सोचे तो मुझे भी ये अपनी औलाद से बढ़कर लगना चाहिए। मेरी इतनी इसके साथ यार, मेरा भी दिल करता है इनू सीने ना लावा, इनू चुका, मैं एक दिन चुकया यकीन करो 1.5 फुट मैं जमीने चला गई। वहाँ पे 1.5 लाख महीने की फीस पे कर रही हूँ ताकि वहाँ पे बच्ची सीखे 2 1 2 2 2 4 2 3 6। जब भी घर आती है 2 1 2 2 2 4 क्रिकेटर है इंडिया का, किया नाम है धोनी, धोनी उसको देख के इसने सीखा 1 धोनी 2 2। मैं तो आप ये जो पार्टी में इतना टाइम गुजारती हैं, आपको लगता नहीं है कि आप टाइम जाया कर रही हैं? यार मेरी फ्रेंड्स है ना, अक्सर मुझे वहीं रोक लेती हैं, यू नो हैंग आउट मेनू कर देंदियां ने, इन्हू रोक लेंदियां। 6 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें निकाल दूंगी। ठीक है बीबी जी, अगर तुसा मेनू अपने घरों कटना चाहते हो तो फिर मैं निकल जाना। सच्ची गल पूछो रैम्बो साहब, तो मैं आप इस घर से कमेंट नहीं रहना चाहता। क्यों? और जिस माँ प्यो के दिल में अपनी औलाद वास्ते मोहब्बत नहीं है, तो उन्हें गैर गरीब नौकर का की मोहब्बत रखनी है?
ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। वाइंड अप नहीं बोला, आपके दिल में तो लगता है ममता नाम की कुछ चीज। जस्ट कमिंग ओ दस दे या मेरे को तलाक ले ला मरे। मैं 3 महीने के बाद लूंगी तलाक। अभी टाइम नहीं है। जिस औरत के दिल में ममता नहीं है वो कोई औरत है? ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਮਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਮਤਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿ ਖਾਮਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। आप प्यार नहीं करेंगे तो वो कैसे प्यार करेंगे? आप मुझे अच्छे से याद है, आई रिमेम्बर, आई थिंक 1.5-2 महीने पहले की बात है, ये मुझे कॉरिडोर में मिली और मैं गुजरते गुजरते से कहा बेबी कैसी हो। 2-2.5 महीने पहले सिर्फ बच्ची ने हाथ मारे। हाँ। कि बेबी कैसी हो। हाँ, ये मैंने कहा हाथ मारे तो मम्मा थले। रैम्बो साहब लाड वेखी देने, इन्ना पैसा खर्च करी दा, 100 करोड़ रुपए दा हेलीकॉप्टर लेके दिता है। हैं? इस बेवकूफ ने क्या कमा के कंध च मार दे, यकीन करो तबाह कर दा। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल जाऊं, छुट्टी हो तो इनके साथ वापस आऊं, इनके साथ मैं बाहर घूमने जाऊं, इनसे प्यार करूं, ये मुझे प्यार करे, ये तो मुझे नजर ही नहीं आते। मेरी जब आंख खुली तो मैंने बड़े अब्बू को देखा तो ये मेरे बड़े अब्बू है, वो मेरा डड्डू और वो मेरी मम्मी। अब भी आप कुछ सोचे हैं अपने बच्चों के लिए? ये दोस्ती यारी, ये किट्टी पार्टी कब तक चलेगी? ओके फाइन, अब मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा टाइम निकालूंगी अपनी बच्ची के लिए। और सॉरी बेटा, मैंने अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या है? मैं इधर किथे, मैं तो इधर आप तो कोट के जफी ना पाई, मेरी सेहत इतनी नहीं है कि बेटी आज तो बहुत, तेन पूरा टाइम देंगे मेरे आपस पुत्र। हाँ? इधर आ नहीं। हाँ? फवे कुटने रोवे पार्टियां नू, तू उचारी कदी वाकई टाइम असी इनू नहीं दिता। दफा हो जा तू, तू इथे मेरे सामने ना ही लागी समझ, हुण असी अपनी तीनू आके खांगे। मैं सारी जिंदगी तुहाडा नमक खादा साहब जी, बहुता खांदा रहया, नौकरी तो ना कटणा। मेरी बेटी आ, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ आपको टाइम दूं। आ ते हुण जेड़ा पखा चलाउनी है नहीं, ओ चलाउना कटणे अब्बू। बेटी मिल गई, अपने बच्चों को टाइम दें जी। बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है जी, अगर आप अपने बच्चों को बचपन में टाइम नहीं देंगे तो बड़े होके फिर वो आपको टाइम नहीं देंगे। और अभी ये जो मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दी है उस पर भी जरा ध्यान करें, एक लिमिट तक, एक टाइम तक, एक हद तक जरूरत के तहत उनको मोबाइल दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। पुत्र सिर्फ तेरे ही मुंह है, अंडे मुझे दे, ये नहीं। आप देख रहे हैं जान रैम्बो यूट्यूब चैनल, टैन टैन देखते रहिए। हाँ ना।